देखो सीड ड्रिल मशीन से सरसों की बुआई कर रहे। अब ये दो लाइन आ रही, एक लाइन अपना इस साइड में आ रही हो देखो, और एक लाइन इस साइड में, पानी आ जाएगा इसमें नीचे नीचे। नमस्कार भाइयों, किसान समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों जो आज की वीडियो अपने ये खेत की है, और ये वो प्लॉट है, सोजी प्लॉट है जिसमें गन्ना रस में गया था। अब ये उसकी पेड्डी मैनेजमेंट कर रहे हैं इसका। तो देखो इस पर रेटून मैनेजर चला दिया था, यो हिस्सा कुछ बाद में चला रेटून मैनेजर, जैसे जैसे छुलता गया था उस साइड में थोड़ा पहले चल गया था, उसमें पेड्डी सही फूट रही, इसमें थोड़ा पानी जल्दी आ गया था। तो वीडियो बनाने का मकसद भाइयों यो है, पेड्डी के खेत में जैसा सोचो अब ये पेड्डी है, इसमें सरसों अगर बो में तो सरसों का उत्पादन सही नहीं आता। वो कारण यो रह जा कि जैसे नीचे यहाँ लगाऊंगे तो पानी की मार ज़्यादा हो और सरसों पानी ज़्यादा मानने, ये गूल रह जाऊँ ऊपर। तो देखो भाइयों हम इसका भी प्रबंधन कर रहे, और यो पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगा इस पर, ये जो वीडियो है पूरी डिटेल में है इसमें सब कुछ। तो अब देखो हम ये उसकी मट्टी उतार रहे, पहले बाकी ये पेड़ा है रेटून मैनेजर चला हुआ, और अभी उसकी मट्टी उतार रहे देखो। तो अब का ट्रैक्टर घूम का होगा, दिखाऊंगा पीछे से, और ये साइड में रेटून मैनेजर बाद में चला, और इस साइड में थोड़ा पहले चला हुआ, तो इसमें पेड्डी सही फूट रही, बढ़िया हो रही है। ये देखो इस हिस्से में पेड्डी सही फूटी हुई। देखो भाइयों अपना जो मट्टी उतार देंगे अब इसकी, कुछ तो पहले रेटून मैनेजर से उतार दी थी और कुछ अभी उतार देगा। देखो ये देखो बढ़िया काम हो जाएगा अपना, और ये मट्टी उतर के साइड में आ गई, उसकी साइड में आ गई थी, अब देखो यहाँ ऊंचा हो गया। अब इसमें जो हम सरसों की बुआई करेंगे वो सीड ड्रिल मशीन से करेंगे, दो लाइन करेंगे। इस वीडियो में आके दिखाऊंगा, आगे पूरी कार्रवाई देखो। जो भाई ना उनको पेड्डी के खेत में सरसों वो पानी सेध जा, वो पानी नहीं सेधने का, बढ़िया काम होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं देने का पानी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहियो, बहुत बढ़िया वीडियो रहेगी। ये अपना बाबू और पुष्पेंद्र भाई दोहरे सही कर रहे हैं, हाँ चल नहीं पाता वो। देखो इस पर रेटून मैनेजर पहले चला हुआ था, इसमें सही फूट रही पेड्डी, फूट तो उसमें जाके थोड़ा सा देख तो जल्दी पानी आ गया, पानी की वजह से रुकावट आ गई। देखो भाई खेत की जो स्थिति है ऐसा है, और एक बार इसमें रूटर निकाल के अपना खाद घेर दिया। अब माली इस पर ऐसे ही पे सरसों बोएंगे तो यो हिस्सा तो देखो हो गया ऊंचा इस साइड में ऊपर, तो पानी बीच में ज़्यादा आओगा। इसका सॉल्यूशन करना कि पानी सरसों को कम आवे। तो अब देखो ट्रैक्टर घूम का होगा, रूटर चल रहा, फिर दोबारा से दिखूँगा कैसे क्या कार्रवाई बनेगी। देखो भाई कार्रवाई बैठी हो, अभी वो बीच में गहरा हो गया, यहाँ देखो अभी उस साइड में भी ऊंचा हो गया, इस साइड में भी ऊंचा हो गया, बाकी जहाँ गन्ने की लाइन है वो तो ऊंची है ही इस साइड में भी। तो अब देखियो देखो पूरा अपना फूट ऐसे होगा, पानी आओगा इसमें नीचे नीचे आ जाएगा, यहाँ तक भी आ जाएगा, पर यह है भरने का नहीं, भरेगा तो नीचे भरेगा, सरसों को ज़्यादा नुकसान नहीं होने का। और अब हम इसमें क्या करेंगे, सीड ड्रिल मशीन से जो छोटे वाली सीड ड्रिल मशीन है जो हाथ से चला है, उस पर एक लाइन इस पर और एक लाइन इस पर, दो लाइन लगाऊंगे, उसे भी दिखाऊंगा देखो बाग इसी वीडियो में। तो इस प्रकार भाई हम सरसों की बुआई कर रहे हैं अपना पेड्डी में, यो प्रबंधन है हमारा। तो देखो अब सीड ड्रिल मशीन से सरसों की बुआई कर रहे, अब ये दो लाइन आ रही, एक लाइन अपना इस साइड में आ रही हो देखो, और एक लाइन इस साइड में, पानी आ जाएगा इसमें नीचे नीचे, अपना ये दो लाइन ऊपर आ जाएंगी सही, गन्ने से भी अलग हटके हैं, बिल्कुल एक नहीं वह बिल्कुल गन्ने के पास हैं। और देख लो यो प्रक्रिया है भाई हमारी, अपना ऐसी मैनेजमेंट करायो, देखो कैसा उत्पादन रहेगा। इसी ड्रिल मशीन से हमने बैड पर बुआई तो कर रखी पहले भी, बाकी ऐसा अब इसमें पिछले साल भी करी थी और इस साल भी कर रहे, पिछले साल भी ठीक उत्पादन मिला था, और अब कभी देखो क्या स्थिति रहेगी, मौसम के ऊपर भी डिपेंड करे। तो ठीक है भाइयों अपना, राम राम जी।